अभी हम देख रहे हैं श्री सीमेंट का चार्ट, यहाँ पे देखिए मार्केट क्या हो रहा था, एक फॉल करते जा रहा था। फॉल का देखिए इतना बड़ा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन फॉलो करते गया मार्केट, बहुत मल्टी टच भी हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इतने मल्टी टच के बाद मार्केट ने फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट यहाँ पे स्लो एंड स्टडी अपसाइड मोमेंटम करते जा रहा है। तो क्या यह मार्केट सस्टेन कर रहा है या अपसाइड जा रहा है वो देखेंगे यहाँ पे। मार्केट को अगर यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे अगर लॉन्ग साइड एंट्री करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद लॉन्ग साइड ट्रेड के ढूंढ के यहाँ पे एंट्री करना बेहतर रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या हुआ, इस ट्रेंड लाइन को अच्छा खासा ये हो गया सपोर्ट का ट्रेंड लाइन, मार्केट इसको रेस्पेक्ट दे, यहाँ पे सपोर्ट मिला इसको, इस ट्रेंड लाइन के आसपास है, यहाँ पे सपोर्ट मिला, अगेन यहाँ पे आए, यहाँ पे एक पुल बैक मिल रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिल रहा है जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है आप लॉन्ग साइड एंट्री कर सकते हैं, अच्छा खासा प्राइस में मिल भी रहा है। यहाँ पे इसके नीचे आ जाता है तो आपको वहां से एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक इसके ऊपर है आपको आपका टारगेट के लिए इंतजार करना पड़ेगा, और आपका जैसे ही आपका मनी मैनेजमेंट और आपका ट्रेड प्लान होगा उसी हिसाब से आपका, जैसे कि यह टारगेट आपका होगा उसी हिसाब से आपको यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आपको लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी अच्छा खासा दे रहा है श्री सीमेंट, क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आ चुका है, अच्छा खासा मोमेंटम भी दे रहा है, और ये सपोर्ट का ट्रेंड लाइन को फॉलो भी कर रहा है, तो उसी हिसाब से आपको इस मोमेंटम को कैच करना चाहिए।